हेलो फ्रेंड, जब भी हम जिम में रहते हैं तो जिम में जब भी वर्कआउट करते हैं तो गाना सुनना सबको ही पसंद होता है। जिम में गाने लगते हैं बट हर एक का चॉइस थोड़ा अलग अलग होता है। किसी को ओल्ड सॉन्ग अच्छे लगते हैं व्हाइल डूइंग जिम, किसी को अच्छे लगते हैं हाई टेम्पो वाले सॉन्ग। तो हर एक का चॉइस अलग अलग होता है और जब भी हम वर्कआउट के दौरान गाने सुनते हैं तो एक दो एक्स्ट्रा रेप ऐसे ही निकल जाते हैं एंड दैट गिव अ बूस्ट टू आर बॉडी। हेडफोन्स बहुत टाइप्स के आते हैं, वाइड हेडफोन आता है, नेक बैंड आता है, ओवर हेड आता है, बहुत टाइप के हेडफोन्स आते हैं, लेकिन जिम के लिए कौन सा यूज़ करें? तो मैंने चारों के चारों हेडफोन्स यूज़ किए और हर एक में कुछ ना कुछ मुझे कमियाँ मिली, बट एक है हेडफोन जो मुझे बहुत पसंद आया और वो यूज़फुल भी है डूरिंग वर्कआउट। सो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि कौन से टाइप के होते हैं हेडफोन्स ईयरफोन्स और कौन सा यूज़ करना सही है डूरिंग वर्कआउट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त विश्वनाथ सावंत। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं ये ईयरफोन की, हेडफोन की, जो कि मतलब फर्स्ट ईयरफोन बोल सकते हैं। मतलब अभी तो ब्लूटूथ वगैरह सब आ गए, लेकिन ये पहले वायर्ड हेडफोन ही सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये हेडफोन यूज़ करने के लिए मेरे तरफ से ना है, बिकॉज जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जो वायर है ये तो इधर उधर फंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। आप वर्कआउट कर रहे हो, आपने मोबाइल पे इसको कनेक्ट कर दिया और ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही घूम रहा है और आप डंबल्स निकालने के लिए जा रहे हो सकता है कि एक्सीडेंटली आपका मोबाइल गिर जाए, बिकॉज ये कनेक्टेड रहता है इसके साथ। और दूसरा चांस ये रहता है दोस्तों कि जैसे अभी ये डंबल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ऐसे ये फंस सकता है केबल, और जब भी आप निकाल रहे हो उसको तो ये हो सकता है, ये तो चलो 500 रुपए की चीज़ है, ये टूट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये निकालते आप वर्कआउट के टाइम अगर ये कोई डंबल्स आपके पैर पे गिर गया तो इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे तरफ से ये ऐसे वाले हेडफोन तो ना है। अभी हम बात करेंगे ओवरहेड हेडफोन्स की। तो ओवर हेडफोन जब भी हम लगाते हैं तो एक तो ये पहले बात तो मुझे एक चीज़ इसकी पसंद नहीं कि पूरे हमारे जो ईयर्स है वो पूरे जाम हो जाते हैं, हमें कुछ आजू बाजू का सुनाई नहीं देता। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो और कोई आपको हेल्प के लिए पुकार रहा है, आपको तो सुनाई नहीं देगा, तो ये तो एक प्रॉब्लम होती है इसके साथ। बट ये एक अच्छा हेडफोन है, आई एम नॉट सेइंग नो टू दिस, बट इसमें ये जो हेडफोन है आप कुछ कुछ जगह पे जैसे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको हम ये लगा के अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम शोल्डर प्रेस मार रहे हैं तो शोल्डर प्रेस के टाइम पे ये इतना नज़दीक होता है, अगर आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएंगे तो ये ऐसा लग सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। और आप देख सकते हो कि ये देखो इसका हालत क्या हो गया है। अगर आप ट्रेडमिल पे हो और ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो तो बस रनिंग ही कर रहे हो तो मेरे तरफ से इसके लिए हाँ है, बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो इसके लिए ना है। बात करते हैं नेक बैंड की, तो ये एक जाबरा का रिनाउंड कंपनी का नेक बैंड है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट वर्कआउट के टाइम पे इट इज़ नॉट गुड। व्हाई आई टेल यू। तो ये सो ऐसे तो ये स्नग फिट हो जाता है ईयर्स में, कोई परेशानी नहीं होती। कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कार्डियो एक्सरसाइज में। सो अगर आप क्रंचेस लगा रहे हो तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे आके एक तो ये पीछे चला जाता है और ये ईयर से भी निकलता है, सो अल्टीमेटली नो यूज़। और फ्रेंड दूसरी बात क्या है, ये जो सिलिकॉन्स
रबर्स आते हैं उससे क्या होता है कि ये स्नग फिट तो हो जाते हैं, बट जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ओके, लाइक हम स्क्वाट ले रहे हैं, तो एक तो ये नेक बैंड यहाँ पे अटकता है, ओके, एक तो ये नेक बैंड अटक जाता है, और जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्क्वाट ले रहा हूँ, ओके, तो अगर मैं स्क्वाट ले रहा हूँ, तो जब भी हम ब्रीदिंग होल्ड करते हैं, ओके, ब्रीदिंग इन आउट करते हैं, तो थोड़ा जो एयर होता है वो ईयर से भी पास होता है, वो टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेशन फील होता है। तो ये वाले हेडफोन्स के लिए मतलब आप कर सकते हो यूज़, बट मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, मैं कोई बोट का बहुत चाहता नहीं हूँ कि मुझे बोट बहुत पसंद है, लेकिन ये जो हेडफोन है मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये वैल्यू फॉर मनी देते हैं। आई टेल यू हाउ। तो ये जो है हेडफोन के, ये है एयर ड्रॉप्स, जैसे कि आप देख सकते हो, और बॉक्स में लिखा है इंस्टा वेकअप एंड पेयर टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही इंस्टेंट है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ये इमीडिएटली आपके मोबाइल के साथ पेयर हो जाता है, बहुत हैसल फ्री है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस ईयरफोन की। तो ये है ईयरफोन, ये है इसका केस, और केस के अंदर ये आते हैं ईयरफोन्स, तो आप नज़दीक से देख सकते हो। इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है दोस्तों, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ये 1300 रुपये में आते हैं दोस्तों। ये इसका जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर है बोट 138। इसमें दोस्तों 131 सीरीज़ भी आती है, दिस इज़ सिमिलर। और इसका जो ड्राइवर है, 13 mm के ड्राइवर्स आते हैं इसमें, और टोटल जो बैटरी बैकअप है वो 650 mAh का है, ओके, और 2 से 3 घंटे वर्कआउट, वैसे भी हम 2 से 3 घंटा इंटेंस करते हैं, तो 2 से 3 घंटा वो आराम से चल जाते हैं, और जैसे ही आप इसको फिर से इंसर्ट करोगे केस में, तो फिर से वो चार्ज होके आपको और बैकअप देंगे। और दोस्तों, बॉक्स में आता है, इसमें है टाइप सी केबल। एक अच्छा लगा कि बहुत सारे ईयर्स फोन में चार्जिंग के लिए टाइप USB टाइप ए आता है, बट इसके साथ टाइप सी आता है चार्जिंग केबल, तो ये एक अच्छा है, आप किधर भी इसको यूज़ कर सकते हो। आजकल फ़ोन भी टाइप सी के ही आते हैं, तो आपका तो मोबाइल चार्जर भी यूज़ कर सकते हो इसको चार्ज करने के लिए। उसके बाद इसका आता है मैनुअल, हाउ टू पेयर दिस, इट इज़ वेरी ईजी, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम कि इसको मैं पेयरिंग करके दिखाऊँ। तो इतना ही है दोस्तों बॉक्स में। बात करते हैं केस की। तो केस का भी, केस बहुत ही अच्छी है और टफ लगी मुझे, बट ब्लैक कलर आता है इसमें, 3 कलर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो कलर चाहिए था ग्रे, वो मिला नहीं, तो इसमें है ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा है, बट इसमें फिंगरप्रिंट्स एंड स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। बट एनी विच वे, आपको 1300 में और क्या चाहिए, तो बहुत ही अच्छा है। वो हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस देखेंगे तो इट इज़ वेरी गुड। तो दोस्तों, ये एग्जैक्ट कॉपी है एप्पल के एयरपॉड का, तो सेम वैसे ही है। और दूसरी चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि इसमें सिलिकॉन रबर्स नहीं है। सो इसमें आपको क्या होता है कि जब भी आप उसको इंसर्ट करते हो, ओके, तो एक कंफर्ट फील करता है, इट इज़ द वेट इज़ वेरी निग्लिजिबल जब भी आप वेयर करते हो। पहले तो मुझे लगा कि वो गिर जाएगा कान से, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने कॉन्टीन्यूसली 2 घंटा यूज़ किया इसको, कोई टाइप का इरिटेशन मुझे नहीं लगा जब भी मैं यूज़ कर रहा था इसको। तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी आप ईयरफोन पहनोगे, जैसे वायर्ड हो, ओवरहेड हो या नेक बैंड हो, वो गिरता ही है। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये खरा उतरता है। और उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप ट्रू बास लवर हो तो ये हेडफोन आपके लिए नहीं है, बिकॉज 30 mm का ड्राइवर है इसमें। बेस का जो क्वालिटी है वो इतना खास नहीं है, बट जो डिलीवरी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रबल एंड बास थोड़ा ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बास बहुत अच्छा है, बट इट गिव यू नाइस म्यूज़िक। तो ये है दोस्तों।
ईयरफोन्स ये मैंने यू वेयर कर लिए। अभी जैसे मैं बबीज ले रहा हूँ, तो इसको बर्पीज बोलते हैं। जब भी हम ये वर्कआउट करते हैं तो बहुत ही शेक मूवमेंट होता है बॉडी का और बहुत चांसेस होते हैं कि ये ईयरफोन गिर जाए, बट आप देख सकते हो ये अभी भी स्नग फिट है। अभी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं जहाँ पे मैं स्क्वाट मारूंगा और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। तो जैसे मैंने स्क्वाट मारा दोस्तों, एयर मैंने ब्रीथ होल्ड करके रखा था सो दैट वी गेट टू नो कि कैसे ये, अगर ये अगर मैं ब्रीथ होल्ड करता हूँ और ब्रीथ छोड़ता हूँ तो थोड़ा सा एयर मूवमेंट होता है, एक प्रेशर बनता है बॉडी में, तो ये हवा थोड़ा सा एयर ईयर से भी निकलता है। तो आप देख सकते हो ये स्नग फिट है। अभी हम देखते हैं क्रंचेस। Still it's snug fit. So आप देख सकते हो कि अभी भी वो इंटैक्ट है, कॉट हो गया, बर्पीज हमने किया, उसके बाद हमने डिक्लाइन क्रंचेस लिए। तो ये जो मूवमेंट्स है अभी, ये जो क्रंचेस लिए वैसे ही हम लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट में हम जब भी प्रेस लेंगे, फ्लाई लेंगे, तो यही मूवमेंट पे रहते हैं, डिक्लाइन में भी लेते हैं हम। तो ये मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो ईयरफोन है वो गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बट आप देख सकते हो इट इज़ स्टिल स्नग फिट। सो इट इज़ माई रिकमेंडेशन। वैल्यू फॉर मनी आप देखोगे तो येस इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। आई मीन 1300 में मिल रहे हैं एंड क्वालिटी इज़ गुड। ओके, जो प्राइस पॉइंट में मिल रहा है आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1300 रुपये में हमें एप्पल आईपॉड का मज़ा आएगा, बट जो डिलीवरी दे रहा है बोट विथ 1300 रुपीज़ विच इज़ अमेजिंग। आप भी यूज़ कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपने यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मी विश्वनाथ सावंत टेकिंग साइन ऑफ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।